यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। अहम जानकारी, बीजेपी से आगे निकली है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। ये अपडेट इस वक्त यूपी से, ये बड़ी खबर है। जिस तरह से एनडीए का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था रुझानों में, अब रुझानों में बड़े उलटफेर की खबर मिल रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के रुझानों में ये बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी से आगे निकली है समाजवादी पार्टी। रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं और वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हॉट सीट बनी रही, कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जाता था, लेकिन पिछली बार भेद दिया था स्मृति ईरानी ने और इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं। फिलहाल जो रुझान सामने आए, पहले स्मृति ईरानी ने सबकत हासिल की थी, बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन फिलहाल स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। जो आंकड़े सामने आए, रायबरेली से राहुल गांधी हालांकि बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त मुजम्मिल साहब बने हुए हैं कांग्रेस से हमारे साथ। मुजम्मिल साहब, क्या लगता है, जो किला भेद दिया था अमेठी में स्मृति ईरानी ने, इस बार वापसी कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, अमेठी से तो कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से राहुल गांधी जीतेंगे। अभी आपने जैसा बताया कि रुझानों में आंकड़े बीजेपी के बहुत ही आगे चले गए। जैसे जैसे ईवीएम मशीन खुलेगी, जनता ने इस बार, मैं यकीनन कह सकता हूं कि जनता का आक्रोश भरपूर था, महंगाई की वजह से, बेकार के वादों की वजह से, और जनता ने इस बार इनको नकार। जनता ने अपना मत दिया है, अपनी ताकत दिखाई है, उससे ऊपर आप समझते हो या जानते हो कि नहीं, हम जीत रहे हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। निश्चित तौर से कांग्रेस और जो हमारा इंडिया गठबंधन है, वो सरकार बनाने जा रहा है और हम जीतेंगे और हम निश्चित तौर से अच्छी सरकार देंगे। अभी देखिए, सरकार बनी नहीं भाजपा की, उसके पहले ही गुजरात के इनके व्यापारियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। अमूल का दाम 2 रुपया बढ़ा दिया, तमाम टोल टैक्स बढ़ा दिए, जितने भी टोल टैक्स के भी, जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कंपनीज हैं, सब ज़्यादातर गुजरात की हैं। पहले ये सारी चीज़ों की समीक्षा करके, आम आदमी, जो बच्चों के लिए दूध पिलाया जाता है, ये सारी चीज़ों की समीक्षा करके हम इसको निश्चित तौर से कंट्रोल करेंगे।